So hi guys, welcome back again my YouTube channel. So friends, my name is Suraj Kumar and you are watching Support Me India YouTube channel. So guys, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप टेली का कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन से. तो गाइस, आने वाला मेरा वीडियो रहेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप टेली में लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद आप उसमें एंट्री कैसे कर सकते हैं, जनरल का, सेल, परचेस का. तो गाइस, आप डेबिट क्रेडिट में उसका एंट्री कैसे कर सकते हैं ये सब बताऊंगा, एंड एंट्री कैसे होता है ये सब बताऊंगा. तो गाइस, अगर आप टेली के स्टूडेंट हैं और अगर आपके पास कंप्यूटर वगैरह नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ वो आपके लिए यूजफुल है. तो गाइस, सब्सक्राइब करने के लिए आपको करना क्या है, आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है. बगल में एक घंटे का आइकन होगा गाइस, उस पर क्लिक करना है. इससे क्या होगा गाइस, यूट्यूब पर मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगा टेली से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो उसका नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में जाएगा. तो गाइस, मेरा कोई भी वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे और नॉलेज सबसे पहले आप ले पाएंगे. तो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस. तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप टेली में कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं. तो गाइस, चलिए हम जानते हैं कि टेली में कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं. और गाइस, अगर आप टेली में कंपनी क्रिएट करने से लेकर के टेली में एंट्री करने तक, अकाउंट क्रिएट करने तक और लेजर क्रिएट करने तक, ये सब आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन से, तो गाइस इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. और ये जो है मैं पार्ट टू पार्ट में बनाऊंगा. जैसे इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि टेली में आप टेली का कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें लेजर कैसे क्रिएट करना है, उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री कैसे करना है. तो गाइस, ये सब सीखने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और वीडियो को एक एक करके बारी बारी देखना पड़ेगा. तो गाइस, अभी के वीडियो में हम जानते हैं कि टेली में कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं. तो गाइस, पेशेंस रख के आपको शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहना है. तो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपका ज्यादा कीमती समय न लेते हुए हम जानते हैं कि टेली में आप अपना कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं मोबाइल फोन से. तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने प्ले स्टोर पर. तो गाइस, यहां पर मैं प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूं. तो गाइस, यहां पर से मैं प्ले स्टोर ओपन करने की कोशिश करता हूँ, फिलहाल ओपन होता है यानी नेटवर्क कभी कभी इशू आ जाता है. तो गाइस, यहाँ पर हमारा प्ले स्टोर ओपन हो गया है. तो ये डेस्कटॉप वर्जन में यानी कि मोबाइल में कीबोर्ड एंड माउस कनेक्ट किया हूँ, तो इसके लिए मैंने इसे रोटेट करके रखा है. तो गाइस, यहाँ पर आपको सिंपल सा सर्च करना है टेली. तो गाइस, मैं यहाँ पर टेली सर्च कर लेता हूँ. तो गाइस, नेटवर्क का कुछ इश्यू है, तो मैं इसका दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ डाउनलोड करने का. आप जो वीडियो देख रहे हैं गाइस, उसके नीचे आपको जाना है. वहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है गाइस, एक लिंक मिलेगा जिसके ऊपर लिखा होगा टेली ऑन मोबाइल वर्जन, तो उस पर आपको क्लिक करना है. नीचे लिंक दिया होगा और गाइज, आपको ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना है, ये टेली ऑन मोबाइल. तो गाइज, ये वाला ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है. तो गाइज, ये वाला ऐप डाउनलोड करने के बाद इसे सिंपल सा ओपन कर लेना है. ओपन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा. उससे पहले आप कुछ परमिशन मांगा जाएगा, उसे आपको अलाउ कर देना है. तो गाइज, जब आप ऐप ओपन करेंगे तो आपके सामने अलर्ट का एक ऑप्शन आएगा, तो आपको रिन्यू नाउ पर क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पर नॉट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है. गाइज, नॉट नाउ के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा. तो गाइज, यहाँ पर आपको क्रिएट अ कंपनी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है. एंड गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने ऑप्शंस ओपन हो गए हैं कंपनी क्रिएट करने के लिए. तो गाइस, आपको क्या करना है, आपका मोबाइल नंबर यहां पर सबसे पहले शो होने लगेगा जो कि आपके मोबाइल फोन में लगा होगा. अब गाइस, आपको क्या करना है, आपको यहां पर आप अपने कंपनी का नाम देना है. तो गाइस, मैं यहां पर अपने कंपनी का नाम दे देता हूं, SURAJ सूरज YADAV यादव PVTLTD. तो गाइस, ये है हमारी कंपनी का नाम. तो इस तरीके से आपको अपनी कंपनी का नाम दे देना है, XYZ जो भी आपकी कंपनी का नाम हो. एंड गाइस, उसके बाद आपको यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल का एक ऑप्शन दिखाई देता है. तो यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट है, तो यहाँ से आप इंडिया ही सिलेक्ट रहने देना है आपको. तो गाइस, यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लेना है. एंड गाइस, उसके बाद आपको यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है. तो गाइस, मेरा स्टेट है छत्तीसगढ़, तो मैं यहाँ से छत्तीसगढ़ सिलेक्ट कर लूंगा. गाइस, उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन को यहाँ पर अपनी कंपनी का एड्रेस देना है. तो गाइस, मैं यहाँ पर अपनी कंपनी का एड्रेस दे देता हूँ.
तो गाइस यहाँ पर आपको कंपनी का एड्रेस दे देना है, और गाइस उसके बाद अपन को क्या करना है, अपन को नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको ये बैंक वगैरह का ऑप्शन फिल नहीं करना है। तो गाइस इसको आपको फिल नहीं करना है, अपने बैंक का डिटेल नहीं देना है। हो सकता है दे सकते हैं, इससे आपको कोई इशू वगैरह नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी आप बैंक का डिटेल यहाँ पर मत डालिएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल से ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। एंड गाइस उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको सॉरी आपका अपना कंपनी क्रिएट हो चुका है। तो गाइस कंपनी क्रिएट हो चुका है, अब अपन यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी के ऑप्शन पर चलेंगे। एंड यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारा कंपनी क्रिएट हो चुका है, सूरज पीवीटी एलटीडी, सूरज यादव पीवीटी एलटीडी, यानी कि सूरज यादव प्राइवेट लिमिटेड। तो गाइस ये हमारा कंपनी क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे सामने इन्वेंट्री वगैरह का ऑप्शन आ रहा है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज आने वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि मैं एंट्री वगैरह के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइज इसमें मैंने फिलहाल सिंपल सा पार्ट में बता दिया कि आप कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज आने वाला वीडियो में एंट्री वगैरह के बारे में रहेगा। तो गाइज आशा करता हूँ कि यहाँ तक के वीडियो को आपने अच्छे से समझा होगा। तो मैंने पूरा वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पूरा वीडियो मैं एक साथ कवर कर सकता हूँ, लेकिन गाइज अगर आप लंबा वीडियो देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसे सीखिए, इससे आपको सीखने में आसानी होगा। तो गाइज आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद होगा आया होगा तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइज आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे आगे बढ़ने में आपका सपोर्ट मेरा सहयोग करेगा। तो गाइस आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड अगर किसी भाई ने मेरे वीडियो कॉल तक वॉच किया है, या अभी किसी भी पर्सन ने मेरे वीडियो कॉल तक वॉच किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सपोर्ट मी इंडिया। अपना प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।